बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ डिनर बुफे एंजॉय करने के लिए। रॉयल डायनेसिटी एक रेस्टोरेंट है कराची में, गुलिस्तान जौहर में। वहाँ का बहुत मज़ेदार बुफे जो है वो मुझे लगा है, मैंने सर्च किया था। और बहुत ठंड है कराची में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए हम चलते हैं वहाँ पर और पहन लेता हूँ मैं स्वेटर, क्योंकि वहाँ पर है बहुत ज़्यादा ठंडक। जी चलते हैं जी फ्रेंड्स। तो हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल डायनेसिटी के बाहर, और बाहर से ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। और अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। ये है इसका एंट्रेंस पॉइंट, यानी रिसेप्शन है, ठीक है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिच ग्रीन सा इन्होंने एंट्रेंस बनाया हुआ है वॉकवे। तो आगे जाते हैं और मैनेजर साहब को ढूंढते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। और फिर दोस्तों, तो ये हैं आतिफ सर, ठीक है। ये यहाँ पे मैनेजर हैं, हम इनसे परमिशन ले ली थी कि सर हम वीडियो बना लें। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और इन्होंने परमिशन दे दी, अभी हमें विजिट करवाएंगे, ठीक है। आतिफ सर, कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पर कब से जॉब कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तकरीबन 6 ईयर्स हो गए। 6 ईयर्स हो गए, ठीक है ठीक है। तो सर, ये सिर्फ नाइट बुफे ही है या लंच बुफे भी है? 7 to 10 PM है अभी कोविड में, ठीक है ठीक है। हमारा 12 PM तक होता है। अच्छा अच्छा, यानी आप सिर्फ डिनर बुफे के लिए करते हैं, लंच बुफे नहीं होता यहाँ? लंच बुफे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो बुफे लगा हुआ है, क्या रोज़ की बेसिस पे प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं या मोस्टली वीकली बेसिस सेम रहती है? थ्रू आउट द ईयर सेम आपकी रेसिपीज रहती हैं, ठीक है। तो सर, आप हमें विजिट करवाएंगे? जी बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम विजिट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये फायर वर्क चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा शादी हॉल भी है फ्रेंड्स। शादी वगैरह होती है और बुफे भी लगा हुआ है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने स्टार्ट लिया है चिकन मलाई बोटी और चिकन अनारकली टिक्का। अंदर बारबेक्यू हो रहा है, ठीक है। इनका बारबेक्यू सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने कबाब वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और मास्क इन्होंने पहन लिया है, SOPs का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे है लाहौरी फिश, बहुत यम्मी लग रही है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने रखा हुआ है ये लाल टमाटर वाली चटनी है, ठीक है। और चाट मसाला है, उसके साथ साथ ये है ग्रीन चटनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिश ग्रिल हो रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं। ये इसका ग्रिल फिश का, ये फिश क्रैकर्स हैं, उसके साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये फ्रेंच फ्राइज मेरी हेल्प कर रहे हैं तैमूर। और यहाँ पे हैं हमारे पास फ्राइड प्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी। साथ मेरे ख्याल से ये टार्टर सॉस है या कोई और सॉस है, नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हैं चटपटे बटेर, छोटे छोटे से चूज़े, देख के दिल घबराता है, खाने को दिल नहीं चाहता, तो कोशिश करूँगा, ट्राई करूँ इसको मैं। और पीछे जो है ब्रोस्ट जो है अभी रेडी हो रहा है, वो भाई साहब उसको फ्राई कर रहे हैं, उसको लेके आने वाले हैं, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो ये गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रोस्ट भी आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है अनारकली पास्ता है, ये चिकन वेजिटेबल चाउमीन है, ठीक है। चिकन ड्राई चिली है, इसके साथ साथ मेरा फेवरेट आ गया चिकन मंचूरियन, ये तो मैंने ज़रूर ट्राई करना है। और उसके साथ है हमारे पास हराफे का भी है और चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस है। ये थाई सूप के साथ सर्व होंगी, ठीक है। ये रहा हमारे पास थाई सूप का स्टॉल, चिकन कॉर्न सूप भी है और थाई सूप भी है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट सैलड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वैराइटी ऑफ सैलड है। ये रहा चिकन कॉर्न सूप और उसके सॉसेस, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा सा बनाया हुआ। साथ ही सॉल्ट है और पेपर है और विनेगर पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ये आलू बुखारे की चटनी है मीठी वाली, ये हॉट सॉस लग रहा है मुझे, चिली गार्लिक,
रायता है, प्लेन केचप है, ये भी एक और रायता लग रहा है, और ये अचार है, ठीक है, और ये डिफरेंट सैलड्स हैं, कलरफुल्स हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं इनके, ठीक है, सब सैलड्स के। पास्ता की वैरायटी आ गई है यहाँ पे, ह्यूज वैरायटी यार, ज़बरदस्त। मुझे तो लगता है सैलड और पास्ता ट्राई करते करते जो है ना पेट भर जाएगा। फ्रेश सैंडविचेस बन रहे हैं यहाँ पे, वो सैंडविचेस बना रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास ग्रीन टी का स्टॉल है, उन्होंने साथ मिंट लीव्स रखे हुए फ्रेश, और शुगर है अगर कोई शुगर लेना चाहे, ठीक है, और साथ ये बॉटल के अंदर मिल्क है। चिकन समोसा, ये मिनी साइज समोसे मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, पिज्ज़ा फ्राइज हैं, अभी रेडी हुए नहीं हैं, हम लोग जल्दी आ गए हैं, जब सेकंड राउंड लेंगे उसमें देख लेंगे। दही फुल्की है यमी सी, और साथ इसके हैं चाट मसाला। चिकन सैंडविचेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये चिकन बर्गर का स्टॉल है, आप ऑर्डर देंगे तो आपके लिए वो फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्वीट्स कॉर्नर है, जेलीज हैं, रेड है, ग्रीन जेली है, और ये दूध दुलारी लग रहा है मुझे। इसके साथ ही फ्रूट ट्राइफल लग रहा है, और ये रबड़ी या खीर है शायद, और ये पुडिंग पड़ी हुई है, और डिफरेंट केक के पीसेस हैं। ये बकलावा इन्होंने फ्रेशली ओवन से निकाला है बेक करके, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने सॉस ड्रिजल किया है, तो आगे चलते हैं। अब ये नट्स डाल रहे हैं उसके ऊपर। ये है सूजी का हलवा, ठीक है, उसके साथ साथ ये शाही टुकड़े हैं, केक है, और बिस्किट्स है, आई थिंक ये मुझे डोनट्स लग रहे हैं, लेकिन डोनट्स हैं नहीं है, ठीक है। ब्राउनी है, अच्छे से उसके ऊपर चॉकलेट सॉस गिराया हुआ है। ये कोई न्यू आइटम है, ठीक है, ये पाइनएप्पल केक लग रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त सर। कुकीज़ हैं, चॉकलेट कुकीज़ हैं, बर्फ़ी है, ठीक है, ये रेड डोनट्स, और ये है डाइट स्वीट, यानी शुगर पेशेंट्स जो हैं वो भी उसको ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मीठा अवेलेबल है। ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और ये गुलाब जामुन है गर्मा गर्म। ये हमारे पास पाकिस्तान के प्रोवेंसेस की स्पेशलिटीज़ हैं, बलोची टिक्का है, ठीक है, चिकन बलोची टिक्का, वो उस तरफ है, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है, ठीक है, आज हम ये भी ट्राई करेंगे। चिकन हांडी है, बहुत क्रीमी क्रीमी सी ये हांडी है, ठीक है, उसके साथ चिकन कढ़ाई है, काफ़ी स्पाइसी लग रही है, ठीक है, और दाल अभी आई नहीं है, ठीक है, दाल पक रही होगी। चिकन जल फ्रेजी है, ये रहा, ये फ्रेशली सर्व करेंगे, उन्होंने रखा फुल गर्म तवे के ऊपर, ठीक है। मटन पाया है, मटन पाया से मुझे राफे याद आ गया, मटन कुन्ना अच्छा लग रहा है। ये लो राफे, तुम्हारा जिक्र किया, मटन कुन्ना भी आ गया, ठीक है, ये रहा मटन कुन्ना, बहुत यमी सा ये भी। देन बीफ पुलाव है, ये बन्नू का लग रहा है मुझे, जो पिंडी में खाया था, और मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं मिली मुझे अभी तक, ये मटन बिरयानी है, ज़ाफ़रानी लग रही है मुझे, आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पराठे हैं, पूरी पराठे हैं, ये बारबी के आइटम के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। उसके साथ साथ ये सूजी का हलवा है, और आलू की भुजिया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और लास्ट आइटम रह गया यहाँ पे कचौरी रह गई, ठीक है। फ्रेंड्स, ये कराची की कचौरी होती है, ठीक है, इसको आलू की भुजिया के साथ खाया जाता है, बहुत मज़ेदार होती है, ठीक है। ये प्लेन नान है, ठीक है, इसको मुझे लग रहा है गार्लिक नान लग रहा है मुझे, है ना, ठीक है। ये डायनामिक चिकन है हमारे पास, ठीक है, ये भी मुझे KFC ब्रोस्ट की तरह ही लग रही है, लेकिन मैं देखूँगा क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। हमें सर ने बताया कि डायनामिक चिकन के साथ डायनामिक सॉस है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। जी दोस्तों, तो ग्रिल फिश रेडी होके आ चुकी है, ये रही, बहुत मज़ेदार है।
ये सब लोग SOPs का ख्याल रखते हुए काम में मसरूफ़ है माशाल्लाह से, बहुत मेहनत का काम है। आई थिंक दोपहर से स्टार्ट हो जाते हैं और शाम तक की लेट नाइट लगे रहते हैं, हम लोग तो खा पी के चले जाते हैं और ये बेचारे अपनी मेहनत से काम करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं, ये भाई भी हैं, सभी लोग काम में बिज़ी हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। ये भाई भी हैं, ये जो चिकन रोस्ट फ्राई कर रहे थे, ठीक है। और ये सर भी हैं फ्रेंड्स, यहाँ के ये दो शेफ़ हैं, ठीक है। एक ये शहजाद साहब हैं वाइट शर्ट के अंदर, और एक दूसरे सर थे वो वहाँ चले गए। तो सारा वसीम नाम है उनका, ये सारा मेन्यू उन्हें का डिज़ाइन करता हुआ है, ठीक है। ये पूरा इनका ग्राउंड है, लाइक पार्क समझ लीजिए, ये एंट्रेंस था जहाँ से मैं एंटर हुआ था। जी दोस्तों, तो मैंने स्टार्टर में लिया चिकन कॉर्न सूप और साथ इसके चिकन समोसा लिए, ठीक है। मैं ये खा लूँ फिर आपको नेक्स्ट राउंड में मिलता हूँ। फ्रेंड्स, ये यहाँ के मैनेजर साहब ने स्पेशली मेरे लिए और तैमूर के लिए बनवाया थाई सूप। वैसे मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। उन्होंने स्पेशल बनाया, ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं सर। बहुत ही मज़ेदार है, हाँ मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पिया है, बहुत मज़ेदार है। मशरूम्स भी हैं, बेबी कॉर्न्स भी हैं, चिकन भी है, उधर वेजिटेबल्स भी हैं इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार है। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने लिया है ये एक बटेर लिया है, खाऊंगा मैं नहीं, तैमूर खाएगा, ठीक है। और एक मैंने प्रॉन लिया, ये भी तैमूर खाएगा। ये मैंने ब्रोस्ट लिया है, इसके साथ मैंने डायनामाइट फिश थी, नहीं डायनामाइट चिकन था, साथ डायनामाइट सॉस है। और ये मेरे पास ग्रिल्ड फिश है, उसके साथ जो ग्रीन चटनी रखी थी वो मैंने ली है। और मेरे पास लाहौरी फिश है, फ्रेंच फ्राइज़ है, और एक मेरे पास फ़िश क्रैकर है। तो मैं ये खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन कुन्ना लिया है, साथ नान लिया है, ठीक है। और मैंने ये चिकन हांडी ली है, ठीक है। जी दोस्तों, तो मेरा चाइनीज़ प्लेटर है, ठीक है। मैंने लिया है मंचूरियन, उसके साथ मैंने लिया ड्राई चिकन चिली, और थोड़े से फ्राइड राइस लिए हैं। और मैंने ये वेजिटेबल चाउमीन लिया है, ठीक है। और ये मेरे पास था पिज्ज़ा फ्राइज़ है, ये एक का सैलेड है, ये भी एक सैलेड है, ठीक है। तो मैं ये टेस्ट करता हूँ फिर हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये नौरतन पास्ता था, ठीक है, इसको मैं सैलेड बोल गया था। जी दोस्तों, तो मैंने लिया है अनारकली टिक्का, इसका नाम अनारकली टिक्का है, ठीक है। और ये है हमारे पास मलाई बोटी, और ये कबाब थे चिकन कबाब, और ये बीफ बिहारी बोटी है, नहीं सॉरी गोला कबाब है, और ये हमारे पास बीफ बिहारी बोटी है। और इसके साथ मैंने पूरी पराठा लिया, तो मैं ज़रा ये टेस्ट करूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने ये बलोची टिक्का लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने चिकन हांडी ली है, और ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन जलफ्रेजी है, और ये मटन बिरयानी, और उसके साथ मेरे पास गार्लिक नान है, ठीक है, बटरी नान है। तो ये है मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं टेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे मैनेजर साहब ने बोला इनकी स्पेशलिटी है, तो उसको ज़रूर टेस्ट करें। तो मैं फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने ये ली है कुल्फ़ा फ्लेवर आइसक्रीम, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया, ठीक है। ये मेरे पास गुलाब जामुन है, और गाजर का हलवा है, ये कुकी का टुकड़ा लिया है मैंने, चॉकलेट कुकी का, ये बकलावा है, ठीक है। और ये शाही टुकड़े का थोड़ा सा मेरे पास पीस है, और यहाँ पे मेरे पास चने की दाल का हलवा है, और ये खीर है या आई थिंक फिरनी है, मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। आज मेरे पास फ्रूट ट्राइफल था, लबे शीरी है, ठीक है। और ये भी एक डिज़र्ट है। तो मैं ज़रा, ये मेरा लास्ट राउंड है, इसके बाद बस ग्रीन टी होगी और फिर आपसे इजाज़त दी जाएगी। जी दोस्तों, तो खाना खा लिया है, ठीक है, अब ग्रीन टी पीते हैं और फिर मैं आपको कमेंट्स देता हूँ, रिमार्क्स देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि हमारा एक्सपीरियंस जो है रॉयल डायनेस्टी पे कैसा रहा।
जी फ्रेंड्स, तो हमें जो है अशरफ सर जो थे वो यहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें 15% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर रॉयल डायनेसिटी आइएगा और यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, जो कराची में रहने वाले लोग हैं और जो आउट ऑफ कराची रहते वो भी प्लीज़ ज़रूर आइएगा। बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस है यहाँ का और फूड की तो कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इनका स्टोर है, ठीक है, व्हिपिंग क्रीम है, आई थिंक ये इम्पोर्टेड है, जी ऑब्वियसली इम्पोर्टेड है, ये खोया वगैरह पड़ा हुआ है इसके अंदर, सर हमें लेके आए अपने स्टोर के अंदर। अब बड़े ऑनर की बात है कि हमें लेके आ गए और उन्होंने दिखाया, यानी कुछ उन्होंने छुपाया नहीं, सीक्रेट नहीं रखा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं इस वजह से। ओ माई गॉड, वही वही हॉट सॉस अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिकन गार्डन्स का, ठीक है, मामा सीताज, यस, और गुलकंद है यहाँ पे, और विनेगर है, केवड़ा है, चिकोमैन का सोया सॉस भी है, ज़बरदस्त जी सर। वो टेस्ट मुझे बता रहा है कि जो जितने भी सॉसेस वगैरह ना, ये सारे इम्पोर्टेड ही हैं, बहुत यमी फ्लेवर था माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे आके, क्योंकि सर जो है ना वो वॉलेंटरली सब कुछ दिखा रहे हैं, वो कुछ छुपा नहीं रहे। ये पान, हाँ, ये पान देते हैं बाहर, अच्छा अच्छा आइटम है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पान का आइटम है, एग्जिट पे होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट स्पाइसेस वगैरह हैं इनके, और वो कंडेंस्ड मिल्क पड़ा हुआ है, मशरूम्स हैं और फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, माशाल्लाह से साफ सुथरा और बड़ा फुली मैनेज्ड इन्होंने रखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे भी डिफरेंट इनके स्पाइसेस वगैरह इनके, ठीक है फ्रेंड्स, ये सीक्रेट स्पाइसेस होते हैं, हम इनको छानेंगे नहीं, ठीक है, हम देख लेते हैं बस दूर से, क्योंकि सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं रेस्टोरेंट्स वालों की, तो हमें उसको रिवील नहीं करना चाहिए। और ये अंडे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स, ये इनका डीप फ्रीज़र है, जहाँ पे उन्होंने मटन को स्टोर किया हुआ है, चिकन को स्टोर किया हुआ है, सारा फ्रेशली मीट आता है रेगुलर बेसिस पे, ये आज जो है ये कल इस्तेमाल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त सा प्ले एरिया बना हुआ है, यानी अगर पेरेंट्स खाना खाने में बिजी हो तो वो बच्चों को यहाँ छोड़ दें और बच्चे इंजॉय कर सकें। हमारे साथ अशरफ सर, ये यहाँ के डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो इन्होंने हमें स्पेशली 15% डिस्काउंट दिया ओवरऑल खाने के ऊपर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें डिस्काउंट दिया और हमने अपना पूरा रेस्टोरेंट विजिट करवाया और हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, और आपका जो सारा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे और फूड भी बहुत मज़ेदार था, ठीक है, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। आप सफाई के बारे में बताइए। सफाई भी बहुत अच्छी थी, ऐसी चीज़ का खास ख्याल रखा जा रहा था, वो हम लोगों ने आते साथ ही नोटिस किया कि जितने भी खाना बनाने वाले लोग हैं सब लोग ऐसी चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एग्जिट पे पान का स्टॉल लगा हुआ था, ठीक है, हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा इसकी कवरेज रहेगी, थी ये भाई हैं पान बनाने वाले, तो हम भी मीठा पान इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया रॉयल डायनेसिटी के अंदर डिनर बुफे इंजॉय करके, और सबसे अच्छी बात है उन्होंने हम अपने किचन का विज़िट करवाया, अपने स्टोर रूम का विज़िट करवाया, और हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, वेटर सर्विस बहुत अच्छी थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, SOPs का ख्याल रखा जा रहा था, और लास्टली उनके जो मैनेजर थे उन्होंने हमें 15% डिस्काउंट दिया, जो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि मेरी आई थिंक थर्ड वीडियो जिसमें मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैं सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी वो आएँ वो ज़रूर 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 आइए रॉयल डायनेसिटी, यहाँ का डिनर इन्जॉय कीजिएगा, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, यानी कि वो वर्थी है जितनी इसकी अमाउंट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।